हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक्सटर्नली विजिबल स्ट्रक्चर्स, जो कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलियास होते हैं, यानी वल्वा और प्यूडेंडम भी कहते हैं ऐसे, और ये एक्सटेंड होते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, पेल्विक बोन जो होती है उसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस से एंटीरियरली से एक्सीड होके पोस्टीरियरली कहाँ तक एक्सटेंड होते हैं, पेरिनियल बॉडी तक। पेरिनियल बॉडी ऑब्स्ट्रक्टिकल पेरिनियम कहलाता है, और ये एक पिरामिडल मास होता है जो कि वेजाइना और एनस के बीच में सिचुएटेड होता है। ओके, पेरिनियल बॉडी। सो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहे हैं, फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके पेरिनियल बॉडी तक। सो ये जितने भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं विद द मीन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि वेजाइना जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रूट प्रोवाइड करता है, और यही वजनल रूट मेंस्ट्रुअल आउटफ्लो के लिए, मेंस्ट्रुअल जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी पैसेज वे प्रोवाइड करता है, और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के लिए भी जो बेबी का जो बर्थ कैनाल है वो भी कौन सा होता है, वजनल रूट। ओके, सो इसी वजनल रूट से फाइनली जो बेबी है वो एक्सपेल आउट होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, सो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो एक्सटर्नली विजिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसे कंबाइनली एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्वा और प्यूडेंडम भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इस एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। ओके, सो लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट हियर। तो यहाँ पे प्रेजेंट है माउथ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मॉन्स प्यूबिस, हियर इट इज। ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस, और इसे मॉन्स वेनेरिस भी कहते हैं, मॉन्स वेनेरिस। ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है, माउंट एक कुशन प्रोवाइड करता है, फैट पैड यानी जो एडिपोज टिश्यूज है उसका कलेक्शन यहाँ पे होता है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस के एंटीरियरली ये प्रेजेंट होता है, जिसपे कई हेयर फॉलिकल्स, कर्ली हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और यहाँ पे जो हेयर पैटर्न है एस्केट्शन ऑफ, दैट इज द हेयर पैटर्न जो है यहाँ पे ये कैसा होता है, ट्राइंगुलरली, यानी यहाँ पे जो बेस है ट्राइंगुलर का जो बेस है वो इस सिम्फाइसिस प्यूबिस के साथ में अलाइन रहता है। सिम्फाइसिस प्यूबिस पे इसका बेस क्या होता है, अलाइन होता है, और जो अपेक्स पोर्शन है वो कहाँ पे होता है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके ओके, सो ये कौन सा एस्पेक्ट है, एंटीरियर, हियर इट इज द एंटीरियर, एंड ये कौन सा एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। यस, नाउ बिलो टू दिस मॉन्स प्यूबिस क्या प्रेजेंट होता है, देर आर अगेन टू पैरेलल लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स, क्या प्रेजेंट होते हैं, टू लॉन्जिट्यूडनल लार्ज फोल्ड्स, दो लार्ज फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ, और ये जो लार्ज फोल्ड्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। सो लेबिया मेजोरा जो है ये मेल के स्क्रॉटम के होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। होमोलोगस मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है इसका जो ओरिजिनेशन हुआ है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से हुआ है। जिस एम्ब्रियोनिक टिश्यू से मेल के अंदर स्क्रॉटम बनता है उसी एम्ब्रियोनिक टिश्यू से फीमेल के अंदर लेबिया मेजोरा का फॉर्मेशन होता है। ओके, जिसके अंदर सबक्यूटेनस एडिपोज टिश्यूज का कलेक्शन होता है, इसमें सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी आउटर साइड। ओके, एंड इसके अंदर एक्राइन और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स भी होती हैं। एक्राइन ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स जो कि डायरेक्ट अपने सिक्रेशन को सरफेस पर रिलीज करती हैं, और एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो कि अपने सिक्रेशन को सबसे पहले हेयर फॉलिकल्स के अंदर रिलीज करती हैं, देन सरफेस पर रिलीज होता है। ओके, सो इसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, कुशन लाइक एडिपोज टिश्यूज का कलेक्शन भी इन लेबिया मेजोरा के अंदर प्रेजेंट होता है, बट दिस मेजोरा इज
द लार्जर वन। यहाँ पे जो मेजूरा है वो कैसा होता है, लार्ज साइज होता है, क्योंकि दोनों साइड में प्रेजेंट होता है। सो एंटीरियरली यहाँ पे किससे डिवाइड हो रहा है, मॉन्स प्यूबस से, एंड देन पोस्टरियरली आके यहाँ पे एनस के इन फ्रंट जहाँ पे मिलता है उसे क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कमिशर। सो पोस्टरियरली जहाँ पे दोनों लार्ज फोल्ड मीट करते हैं वो क्या है, पोस्टीरियर कमिशर। नाउ फ्रॉम मीडियल टू दिस लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के मीडियल एस्पेक्ट पे अगेन टू मोर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। सो हियर इट इज द लेबिया माइनोरा। सो लेबिया माइनोरा भी एंटीरियरली टू लमेलीज के अंदर डिवाइड होता है, टू लमेलीज, और टू लमेलीज जो है एक इस टिश्यूज के ऊपर प्रेजेंट होता है और दूसरा लमेली जो है वो इस टिश्यूज के बीनीथ प्रेजेंट होता है। सो इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, हियर इट इज कॉल्ड, ये जो टिश्यू है जिसके बीनीथ और अबव लेबिया माइनोरा के लैमेलेस डिवाइड होते हैं ऐसे क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। ओके, सो क्लाइटोरिस से अबव जो कि मेल के अंदर फोर स्किन की तरह होता है, जो कि फीमेल के अंदर ये जो स्किन होती है इसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिप्यूज। ओके, जो कि एक तरीके से इस क्लाइटोरिस को कवर करती है, क्लाइटोरल हुड बनाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिप्यूज। और बिलो टू क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के बिलो जो ये प्रेजेंट होती हैं लेबिया माइनोरा की लेमिले, दैट इज कॉल्ड फ्रेन्यूलम। ओके, सो एंटीरियरली लेबिया माइनोरा टू लेमिलेज के अंदर डिवाइड होता है, जो एंटीरियर पार्ट बनाता है क्लाइटोरिस के ऊपर वो क्या है, प्रिप्यूज, और बिलो टू दैट इज फ्रेन्यूलम। नाउ पोस्टीरियरली ये जो दोनों फोल्ड्स होते हैं ये अगेन मीट करते हैं और जहाँ पे पोस्टीरियरली अगेन यहाँ पे मिलते हैं इस फोल्ड को यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्चिट। ओके, सो दिस इज फॉर्चिट जहाँ पे पोस्टीरियरली लेबिया माइनोरा की टू फोल्ड्स क्या करते हैं, मीट करते हैं। सो लेबिया माइनोरा थिन फोल्ड ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है जिसमें इलास्टिक टिश्यूज होते हैं और इसमें स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं और जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं, देर इज नो एपोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड्स, बट इसमें सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है और कई नर्व फाइबर्स का इनर्वेशन होता है बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द एरोजीनस स्ट्रक्चर इन अ फीमेल जो कि सेक्सुअली एक्साइट होता है। तो यहाँ पे लेबिया माइनोरा के इन फोल्ड के अंदर जो इनर एस्पेक्ट पे एक लाइन होती है, दैट इज अ वन लाइन जो कि लेबिया माइनोरा के इनर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड द हार्ट लाइन। ओके, नाउ यहाँ पे जो हमको स्पेस दिखाई दे रहा है ये स्पेस, इनर स्पेस जो होता है इसे क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। सो वेस्टिब्यूल जो है ये एंटीरियरली, एंटीरियरली किससे मिलके बना हुआ है, दैट इज द फ्रेन्यूलम ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के जस्ट बीनीथ जो फ्रेन्यूलम पार्ट है वहां से, देन लैटरली बाय द हार्ट लाइन ऑफ द लेबिया माइनोरा। ओके, दोनों साइड में हार्ट लाइन से बाउंडेड रहता है लैटरली, एंड पोस्टरली किससे बाउंडेड होता है, फॉर्चेट से। ओके, सो दिस स्पेस जो कि ट्रायंगुलर शेप का है और जो एलिमेंट शेप का है ये स्पेस क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर फोर ओपनिंग्स होती हैं, बट इन फोर ओपनिंग में भी टू पेयर्ड ओपनिंग्स हैं, तो ऑल टुगेदर सिक्स ओपनिंग्स इसके अंदर होती हैं। सो प्यूबिक आर से जस्ट बीनीथ 1 to 1.5 सेंटीमीटर नीचे जो पहली एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो ओपनिंग होती है यहाँ पे, इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल यूरिथ्रल मिएटस और द ओपनिंग। ओके, तो ये यूरिथ्रल ओपनिंग है जो कि
यूरिन एक्सक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे। यूरेथ्रल ओपनिंग के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कौन सी ओपनिंग होती है? दैट इज कॉल्ड दी वेजाइनल ओपनिंग। ओके, वेजाइनल ओपनिंग या फिर वेजाइनल इंट्रोइटस। सो वेजाइनल इंट्रोइटस होता है पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, एंड इस वजाना के अंदर अगेन देर इज अ मेम्ब्रेन जो कि इस वजानल ओपनिंग को पार्शली कवर करके रखती है, और इस मेम्ब्रेन को यहाँ पे क्या कहते हैं? दैट इज द हाइमन। तो यहाँ पे हाइमन जो है ये एक पार्शली कवर्ड म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है जो कि इस वजानल ओपनिंग को कवर करती है, और ये सर्कुलर से लेके क्रिसेंटिक शेप की भी हो सकती है। ओके, यानी हाफ मून शेप स्ट्रक्चर। एंड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, यस, सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ में भी एक लैसरेट हो जाती है, टीयर हो जाती है, बट इट कैन बी टीयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बिकॉज एक्सरसाइज है या फिर कोई और अदर नॉर्मल एक्टिविटीज है उसके साथ भी हाइमन क्या हो सकता है, इट कुड बी टीयर और रप्चर। ओके, बट सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ में ये रप्चर होता है, एंड सेकेंडली चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कंप्लीटली लैसरेट हो जाता है, और कंप्लीट लैसरेशन के बाद में एक नॉड्यूलर फॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं कैरेंक्यूले। सो चाइल्ड बर्थ के साथ में जब ये हाइमन कंप्लीटली लैसरेट होके नॉड्यूलर फॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कैरेंक्यूले मर्टिफॉर्मीज। ओके, तो वेस्टिब्यूल के अंदर हमने अभी तक टू ओपनिंग्स देखी हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर एस्पेक्ट पे यूरेथ्रल मीएटस और ऑरिफिस, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या प्रेजेंट है? वेजाइनल इंट्रोइटस। ओके, नाउ यहां पर वेजाइनल ओपनिंग एज वेल एज जो फॉर्चेट है इसके बीच में एक डिप्रेशन होता है, और इस वेजाइनल ओपनिंग और फॉर्चेट के बीच में जो डिप्रेस्ड एरिया होता है एक ग्रूव बनाता है, इस ग्रूव को यहाँ पे क्या बोलते हैं? फोसा नेविकुलरिस। ओके, नाउ फीमेल के अंदर जो मोस्ट और द प्रिंसिपल एरोजीनस स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज जो कि एक्साइट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो क्या है? क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस जो है ये वुमेन के अंदर होमोलोगस है टू द मेल पेनिस, बिकॉज इसका भी जो ओरिजिनेशन हुआ है वो सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू से हुआ है। सो क्लाइटोरिस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, बट एक्सटर्नली ओनली इतना ही पार्ट विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लांस। ओके, सो जो एक्सपोज रीजन है जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैक्सिमली ये विजिबल होता है। सो इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को जो कि होमोलोगस है टू द मेल पेनिस, इसे क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। इसके अलावा होती है 2 बॉडी एंड द क्रूरा। ओके, जो कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती हैं डीप टू दिस वेस्टिब्यूल। ओके, नाउ वेस्टिब्यूल के अंदर 2 मोर पेयर्ड ओपनिंग्स होती हैं। फर्स्ट जो कि इस यूरेथ्रल मीएटस के आइदर साइड पे प्रेजेंट होती है पेयर्ड ओपनिंग, ये कौन सी ग्लैंड की होती है? दैट इज द स्किन्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड की है? स्किन्स ग्लैंड, या फिर इसे बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। ओके, सो ये जो स्किन्स ग्लैंड होती है ये एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ वजाइनल वॉल पे सिचुएटेड होती है, और इसकी इस ग्लैंड की जो डक्ट्स होती है वो डायरेक्टली ओपन होती है इन द वेस्टिब्यूल ऑन द अदर साइड ऑफ द यूरेथ्रल मीएटस, जो कि इसे मॉइस्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ल्यूब्रिकेट करती है। ओके, और ये स्किन्स ग्लैंड फीमेल के अंदर मेल प्रोस्टेट के होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। ओके, नाउ पोस्टीरियर टू दैट इज द वजाइनल इंट्रोइटस, और इस वजाइनल इंट्रोइटस के दोनों तरफ ऑन द अदर साइड अगेन देर आर दी 2 डक्ट्स, और इन डक्ट्स की जो ओपनिंग होती है इस वजाइनल ओरिफाइस के 5 o'clock और 7 o'clock डायरेक्शन में है। ओके, यू कैन सी हियर, और ये जो डक्ट होती है वो कौन सी ग्लैंड की होती है? दैट इज द बार्थोलिन्स ग्लैंड। सो बार्थोलिन ग्लैंड की ये डक्ट्स ओपन होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द वजाइनल इंट्रोइटस, जिसे ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं,
और ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये वेजाइनल ओपनिंग के आइदर साइड सिचुएटेड होती है, डीप टू दिस म्यूकोजल मेम्ब्रेन ऑफ वेस्टिब्यूल. यस, सो दिस द बार्थोलिन ग्लैंड. और इस बार्थोलिन ग्लैंड के एंटीरियर एस्पेक्ट पे और इन फ्रंट क्या प्रेजेंट होती हैं, टू इरेक्टाइल मासेस. बार्थोलिन ग्लैंड के एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या है, टू इरेक्टाइल मासेस ऑफ टिश्यूज. और ये जो टिश्यूज है इसे क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर बल्ब. सो वेस्टिबुलर बल्ब के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या प्रेजेंट होती है, बार्थोलिन ग्लैंड. और इनके इन फ्रंट क्या होता है, वेस्टिबुलर बल्ब. ओके, सो दीज आर द टू मासेस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू जो कि इस वेस्टिब्यूल के जस्ट बीनीथ प्रेजेंट होता है ऑन द आइदर साइड ऑफ द वेजाइनल इंट्रोइटस. और यहाँ पे जहाँ पे कि लेबिया मेजोरा के टिश्यूज पोस्टीरियरली मीट कर रहे हैं, एंड हियर इट इज द एनस. सो एनस और इस टिश्यूज के बीच में जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सेप्टा है, ये क्या फॉर्म करता है, दैट इज पेरिनियल बॉडी. ओके, तो यहाँ पे ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये एल्कलाइनिक सिक्रेशन को रिलीज करती है जो कि इस वजनल ओपनिंग को लुब्रिकेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एक होस्टाइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है फॉर द स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन, बिकॉज ये यूरिथ्रल सिक्रेशन के साथ में क्या हो सकते हैं, दे बिकम डिस्ट्रॉयड. सो उस डिस्ट्रॉइंग को प्रिवेंट करता है दिस एल्कलाइनिक सिक्रेशन विच इज रिलीज फ्रॉम दिस बार्थोलिन ग्लैंड. ओके, सो ये एल्कलाइनिक मीडिया प्रोवाइड करता है और वजनल ओपनिंग को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है. तो यहाँ पे हमने वो सारे स्ट्रक्चर्स देखे जो कि एक्सटर्नली विजिबल होते हैं इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल रीजन्स, और ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस टिल द पेरिनियल बॉडी. और इसके अंदर मेजरली जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, दैट इज मॉन्स प्यूबिस, दिस वन, देन लेबिया मेजोरा. ओके, मीडियल टू दिस इज द लेबिया माइनोरा. यस, सो हियर इट इज द लेबिया माइनोरा, दिस ग्रीन वन, लेबिया माइनोरा. एंड देयर इज वन इरेक्टाइल बॉडी जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द क्लाइटोरिस, इज अ सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर. एंड लेबिया माइनोरा जो एक स्पेस को एनक्लोज करता है, दैट इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल के अंदर कितनी ओपनिंग्स हैं, देर आर द फोर ओपनिंग्स, एंटीरियर इज द यूरेथ्रल, पोस्टीरियर इज द वेजाइनल ओपनिंग, एंड द पेड स्किन्स ग्लैंड डक्ट और द पेड बार्थोलिन्स ग्लैंड डक्ट. और उसके अलावा प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द वेस्टिबुलर बल्ब जो कि इरेक्टाइल टिश्यू मासेस होते हैं. ओके, तो ये सारे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक्सटर्नली विजिबल होते हैं इन फीमेल, एक्सटेंड्स फ्रॉम सिम्फाइसिस प्यूबिस टिल पेरिनियल बॉडी. थैंक यू.